मैं हूँ आपके साथ साक्षी रुडेजा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जो कि मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, यानी आपके मिथुन दा के बारे में उनकी छोटी सी जीवनी की कहानी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की, उन्होंने जन्म कहाँ लिया और उनकी शादी कैसे हुई, और साथ में ये भी कि उनके करियर की शुरुआत किस तरह से हुई। तो चलिए हम उनके बारे में छोटी सी कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आप ऐसी बतेरी वीडियोस देख सकें और काफी जानकारी ले सके। कौन है मिथुन चक्रवर्ती? तो मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौराम चक्रवर्ती है, लोग उन्हें बहुत प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं। वो हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता, गायक और निर्माता रहे हैं। अपने अभिनय और डांस मूव के लिए काफी जाने जाते हैं। उन्होंने करीब 350 से ऊपर फिल्मों में काम किया है, जिसमें बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी फिल्में भी काफी शामिल हैं। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की पृष्ठभूमि। तो बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हैदराबाद में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले वो नक्सली हुआ करते थे। वे मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हैं, और यही कारण है कि फिल्मों के एक्शन दृश्यों में वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। अब बात आती है मिथुन दा की पढ़ाई की प्राप्ति के बारे में। तो भाई बता दें कि मिथुन दा ने कलकत्ता के प्रसिद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी खत्म होने के बाद बात आती है शादी की। तो शादी का राज ये है कि मिथुन चक्रवर्ती की शादी योगिता बाली से हुई थी, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हैं, मिमो, रिमो, नमाशी और दिशानी। उस दौर में श्रीदेवी से उनका अफेयर भी लंबे समय तक अखबारों और मैगजीन में छाया रहा था, जिसकी वजह से दोनों की जोड़ी काफी मशहूर हो गई थी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है मिथुन दा के करियर की शुरुआत की। मिथुन दा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मृग्या से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और मल्टी स्टारर फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी, लेकिन फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें स्टार बना दिया। उन्होंने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया है, जिसकी वजह से आज मिथुन दा को इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि कोई भी बड़ा स्टार उनसे टक्कर नहीं ले सकता है। हम आपके लिए ऐसे ही आपके मनपसंद सितारों से जुड़ी खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।